हर्ष पांडे, हर्ष पांडे, नैना, सेक्शन बी और उसमें भेजो, ए और सी में ये। वेरी गुड। तो नाउ वी स्टार्ट द हायर परचेज सिस्टम यूनिट 4। एंड रॉयल्टी, टू चैप्टर इज गिवेन। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, हायर परचेज। रॉयल्टी इज ऑल्सो एक्सप्लेन। सेक्शन ए और सी ने रॉयल्टी टॉपिक पढ़ा कि नहीं? ए और सी वाले बताएं, रॉयल्टी चैप्टर उन्होंने पढ़ा कि नहीं? बी में तो पढ़ाया था। किसने पढ़ाया? ए में किसने पढ़ाया? वेरी गुड। और सी में? सी में किसने पढ़ाया बेटे? नहीं, और किसी को दिया गया होगा पेपर? सी का कोई ऐड नहीं हुआ अभी? आप बी में? ए में? सी का देखो कोई ऐड नहीं हुआ, उससे पूछो आइडिया लगे जरा। हाँ, सेक्शन सी। हेलो, ये रॉयल्टी चैप्टर पढ़ाया आपका कि नहीं? हाँ, पता करो भाई, पता नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? अच्छा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये तो नहीं पढ़ाया ना? हायर परचेस सिस्टम, बोलो। चलिए बस ठीक है फिर। नाउ वी स्टार्ट द हायर परचेस सिस्टम। Under this system, property is acquired by the payment made in installment. Any every higher purchase agreement shall state the number of installment by which the higher purchase price is to be paid and each amount of those इंस्टॉलमेंट। एक स्टेटमेंट राइट डाउन करिए एवरीबॉडी, लिखिए, अंडर दिस सिस्टम द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द हायर परचेजर ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट।
बट द हायर परचेजर डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द गुड्स. बट द हायर परचेजर डज नॉट ओनर ऑफ द गुड्स टिल ही हैज पेड paid the number of installment. Okay, higher purchase समझ में आया बेटे क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम और एक होता है क्रेडिट सिस्टम. हेलो, एक अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स को परचेज कर सकते हैं और एक अंडर द क्रेडिट सिस्टम. तो दोनों में फर्क यही होता है जो मैंने बताया अभी अभी आपको. क्रेडिट सिस्टम में क्या होगा? ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन स्पॉट. बट हायर परचेज सिस्टम में कब तक नहीं ट्रांसफर होगी बेटे? जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट. करेक्ट. पोजीशन आपको मिल जाएगा गुड्स को यूज करने का, ट्रांसफर करने का, लेकिन ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगी. नहीं, पहले वाले ओनर से नहीं होगा. पहले वाले ओनर से क्यों होगा? अच्छा, मतलब ये अगर दोबारा इसको बेचना चाहे तो ना. नहीं तो पहली बात तो जब उसको ओनर से मिली नहीं बेटे, तो ये इसके पास राइट सही कहा इसको वो करने का, सेल आउट करने का. मतलब इसे ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी वहां पर? जिस चीज के आप मालिक नहीं है उसको आप कैसे बेच सकते? जो मालिक है वही तो बेचेगा. और आप केवल आपका राइट है उसको यूज करने का, आप यूज करते रहिए. बेचने का ख्याल आपके मन में कब आना चाहिए? जब आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दें. बल्कि आपको अगर जैसे लोन वगैरह ले रखा होगा तो फाइनली बैंक आपको क्या दे? बताओ, एनओसी है ना. हेलो भाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. बैंक ये बताए कि हमें कोई एतराज नहीं, हमारा जो इन्होंने लोन लिया था वो अदा कर दिया. अब ये प्रॉपर्टी एक्चुअली कागज वो रख लेती है ना अपने पास, आरसी ओरिजिनल, उसको वो आरटीओ ट्रांसफर कर देती है ना. फिर आरटीओ से आपको नई आरसी बन करके मिल जाती है. तो क्रेडिट सिस्टम और इसमें बस इतना ही अंतर है केवल बेटे. क्रेडिट सिस्टम में ऑन स्पॉट जो है चेंज हो जाएगा. और दूसरी चीज जो जानना है कि मतलब अब अंडर द हायर परचेज सिस्टम नेचुरल है कि ट्रांजेक्शन होंगे, तो व्हाट एवर पार्टीज इन्वॉल्व, तो बेसिकली टू पार्टीज इन्वॉल्व, हायर वेंडर और हायर परचेजर. दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी. राइट डाउन कर दीजिए. हायर वेंडर का मतलब सेलर और बायर का मतलब हायर परचेजर. अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा इन दोनों के बीच में होगा.
दिस सिस्टम इज नोन एज हायर परचेज सिस्टम। अब एक क्रास क्वेश्चन यहाँ ये उठ सकता है कि सर अगर सपोज दैट इसने परचेजर ने सपोज दैट अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे की तब क्या होगा, ठीक है ना। हाँ तो उसके लिए पहले एक नोट लिखिए, एनओटी नोट लिखिए, इफ द हायर परचेजर Higher purchaser makes default in payment of any installment, comma the seller any vendor the higher vendor can take back the goods from the higher purchaser without requiring to refund the amount already received by him. आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों सर, तो लिखिए because the amount is considered to be the higher charges of the goods क्लियर हो गया बेटे। हेलो, रीजन रीजन समझ में आया बेटे, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो कंसीडर कर लिया जाएगा किस तरीके से, हायर चार्जेस जैसे जस्ट लाइक रेंट के रूप में ऑफ द गुड्स है ना फॉर द पीरियड। गुड्स हैव ऑलरेडी बीन द हायर परचेज है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा बेटे वो दोनों का अलग अलग हो गया। क्रेडिट सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा और हायर परचेज का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया आपका, है ना, वो वहाँ पर एट दैट टाइम हो जाएगा, यहाँ पर आफ्टर पेमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट होगा। मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट ऑफ प्राइस इज ऑलवेज मेड बाई द इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर क्रेडिट सेल में क्या होगा, पेमेंट ऑफ प्राइस इज जनरली मेड इन द लम सम बट इट कैन बी मेड अदरवाइज आल्सो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। हेलो, ये पॉइंट पॉइंट नोट किया आपने, क्या क्या नोट किया बताओ, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। पहला पॉइंट है एक्ट, दोनों का एक्ट अलग अलग है, ये हायर परचेज 1972 है और गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1948 है। पहला बेस है आपका एक्ट, दूसरा बेस क्या था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तीसरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, चौथा राइट ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। चौथा मोड ऑफ पेमेंट, सॉरी हाँ मोड ऑफ पेमेंट फिफ्थ होगा, करेक्ट। इसके बाद टाइम ऑफ पेमेंट बेटे लास्ट होगा, बेटर टाइटल, BETER, बेटर टाइटल, यानी कि इफ बायर सेल द गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट तो द न्यू बायर डज नॉट गेट सेलर ए बेटर टाइटल देन द परचेजर अंडर क्रेडिट परचेज। अब आपको इसके बाद इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी ऑफ दिस टॉपिक यानी फॉर हायर परचेज सिस्टम, जैसे इसमें एक वर्ड यूज होता है बेटे कैश प्राइस, ये क्या वर्ड यूज होता है बेटे कैश प्राइस, यानी इट इज द अमाउंट विच द सेलर इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इफ द फुल पेमेंट ऑफ द गुड्स इज मेड इन लमसम इमीडिएटली ऑन सेल। हेलो हेलो, यू नो कैश प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स इन विच द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट। एवरीबडी राइट डाउन प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड टर्मोलॉजी होती है हायर परचेज प्राइस, इट मीन्स टोटल अमाउंट पेबल बाय द परचेजर टू हायर वेंडर। ओके तो जब टोटल अमाउंट की बात आएगी बेटे, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स या अमाउंट पेबल बाय द हायर परचेजर टू वेंडर। ठीक है तो मतलब अब इसमें टोटल अमाउंट में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो कैश प्राइस हो जाएगा प्लस इंस्टॉलमेंट ए इंटरेस्ट। हेलो मतलब जैसे एक अमाउंट हुआ 25 लाख, अब 25 लाख में उन्होंने क्या किया 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है हेलो, फिर कोई सुन नहीं रहा है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। है इस चक्कर में आपकी कितनी क्लासें नुकसान हुआ आपको पता नहीं है।
कई बार हमने इसे लीव कर दिया, फिर छोड़ दिया पढ़ाना, नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना, फाइनली एग्जाम में तो आपको पेपर देना है। तो मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया, सपोज दैट कोई गुड्स आपने परचेस किया 25 लाख का, 5 लाख उन्होंने इमिडिएटली दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, डाउन पेमेंट, क्या क्या कहलाएगा अमाउंट बेटे, डाउन पेमेंट। अब बचा आपका 20 लाख, तो 20 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, हेलो। वेरी गुड। तो 4, अब ये जो 5 लाख है इसमें मान लीजिए 5% हमने इंटरेस्ट रेट दे दिया, तो इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई, 5 लाख अगर करोगे, हाँ मतलब नहीं, जो आपका 5 लाख आया है ना, जी 4 इंस्टॉलमेंट हो गई 5 लाख 5 लाख की बेटे, तो हर एक पे 25 हंड्रेड, हाँ 25,000, 5 लाख पे ना। करेक्ट। करेक्ट, 25,000, राइट। तो अब इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, ए इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी बेटे, वेरी गुड। अब जैसे इसको 5,25,000 को बेटे आप इनटू 4 कर दीजिए, कितना आएगा, 5,25,000 इंटू 4, 4 इंस्टॉलमेंट, नहीं यार, ट्वेंटी 21 लाख, और डाउन पेमेंट कितना था वो ऐड कर दीजिए इसमें, 5 लाख का डाउन पेमेंट, तो टोटल 26, ये 26 लाख क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एचपी 26, हाँ। और ये 25 जो आ रहा था वो क्या कहलाएगा, वेरी गुड, अब आप समझ गए। अब तीसरी जो टर्मोलॉजी है वो है आपकी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड बट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन द क्वेश्चन में बी मेंशन, मतलब इसमें मेंशन किया जाएगा, है ना, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, या अगर ना बताया जाए तो फिर आपको एक बार उसको कैलकुलेट करके ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। और नोटिस करने के लिए जो अभी भी मैंने आपको बताया फार्मूला, हायर परचेस प्राइस, अगर ना लिखा हो तो दोबारा से बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ओके। फिर नहीं कोई बोला, तो आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर आप देखिए कि उसकी वैल्यू मोर देन कैश प्राइस है, क्या है, किसकी वैल्यू, इंस्टॉलमेंट की,
इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है। हाँ तो आप समझ जाइएगा कि उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी आपका क्या है, ऐड है, और अगर इक्वल हो तो आप समझ जाइएगा कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड नहीं है। 5,25,000 का अगर करोगे तो वो कैश प्राइस से मैच नहीं करेगी, ठीक है ना। और अगर ये 25 आप हटा दीजिए, केवल 5 वाला करिए, तो आप 5 4 20, 20 + 5 25 = 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट कैसी हो गई विदाउट, बोलो, हाँ विदाउट इंटरेस्ट हो गई। बात समझ में आई बेटे? तो दो तरह की इंस्टॉलमेंट होगी, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड, हाँ एक्सक्लूडेड, हाँ एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड। जब विदाउट कह दीजिए, विदाउट वाला वर्ड भी सही रहेगा, इंटरेस्ट विदाउट इंस्टॉलमेंट, है ना। अब आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बुक ऑफ हायर परचेजर। हेडिंग डाला सबने, अकाउंटिंग प्रोसीजर, नोटबुक में हेडिंग डालो अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर हेडिंग डालने के बाद उसके नीचे राइट डाउन करिए बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मतलब दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इज द फर्स्ट, व्हेन गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। एंड सेकेंड, व्हेन गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। दैट इज सबसे पहले क्या था, तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, है ना। दीज आर, यानी देर आर टू मैथड फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ द हायर परचेज ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, फर्स्ट मैथड एंड सेकेंड मैथड। एवरीबडी राइट डाउन, फर्स्ट मैथड यानी टोटल असेट्स वैल्यू मैथड। क्या है पहले मैथड का नाम बेटे, वेरी गुड। सेकेंड होगा आपका असेट्स एक्रूअल मैथड, असेट्स एक्रूअल वैल्यू मेथड। तो जब दो मेथड आपके पास है बेटे, और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन अगर नहीं है, क्या नहीं है कि आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, तो इन दैट सिचुएशन ये विदाउट इंफॉर्मेशन द फर्स्ट मेथड विल बी अप्लाइड, टोटल असेट्स वैल्यू मेथड। ओके,
तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसीजर हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं बताओ? एंट्री। हमें लग रहा है बुक सभी के पास होगी। क्यों बेटे? हेलो, बुक सबके पास है कि नहीं? हाँ तो बुक्स में दी हुई है एंट्रीज इन द बुक ऑफ हायर परचेज। सबसे पहले आप क्या करते हैं, असेट्स को परचेस करेंगे। तो परचेस में आपके पास क्या आएगा, असेट्स, और ऑन क्रेडिट हो रहा है तो यानी नाम, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी बताओ, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और उसी दौरान आप कोई डाउन पेमेंट करते हैं अगर, तो जब अगर साइनिंग अमाउंट देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। हेलो, बस बात समझ में आई बेटे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आपको केवल फर्स्ट ईयर करनी है, और फर्स्ट ईयर के एंड में फिर क्या होगी, इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्लियर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फिर दोनों चीजों को, इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को, इज अ रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, सो रिलेटेड बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो फाइनल एंट्री जो होगी वो क्या होगी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन बेटे कंबाइन। तो मेरे हिसाब से आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और एक हेडिंग और डाल दीजिए जल्दी से, नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। तो नेसेसरी अकाउंट में एक असेट्स अकाउंट मेंटेन होगा, वेंडर अकाउंट और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, चार अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं। पहला असेट्स, दूसरा वेंडर, पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा वेंडर, तीसरा इंटरेस्ट, और चौथा डेप्रिसिएशन। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा, या इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, क्लियर करने के बाद देन स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, थैंक यू, लीव नाउ।